सारा देश आज बेस धूमधाम रे पालन करछी जातीय एकता दिवस क्रम में आज दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित जातीय एकता दिवस कार्यक्रम में अंशग्रहण करछंती सरदार पटेल को श्रद्धांजलि ज्ञापन करछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान या परे रन फॉर यूनिटी यात्रा को पताका देखाई शुभारंभ करछंती। आज हम सभी के लिए एक सौभाग्य के दिन है, जैसे वाइस चांसलर साहब ने कहा, कभी कभी सोच आता है अगर सरदार ना होते तो क्या होता। देश की आजादी की पहले, देश की आजादी के उपरांत आज तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं। हमको आज एक एकीकृत रूप भारत को हम सभी के सामने है, भारत के एक एकीकृत रूप। उस समय में जब अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे, मैं शिक्षा परिसर में हूं, 1835 की मैकॉले मिनट्स में जो रचना बनाई गई थी उसकी संघर्ष करते करते 1947 हो गया। सारा देश आज बेस धूमधाम रे पालन करछी जातीय एकता दिवस क्रम में आज दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित जातीय एकता दिवस कार्यक्रम में अंशग्रहण करछंती सरदार पटेल को श्रद्धांजलि ज्ञापन करछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान या परे रन फॉर यूनिटी यात्रा को पताका देखाई शुभारंभ करछंती। आज हम सभी के लिए एक सौभाग्य के दिन है, जैसे वाइस चांसलर साहब ने कहा, कभी कभी सोच आता है अगर सरदार ना होते तो क्या होता। देश की आजादी के उपरांत आज तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं। हमको आज एक एकीकृत रूप भारत को हम सभी के सामने है, भारत के एक एकीकृत रूप। उस समय में जब अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे, मैं शिक्षा परिसर में हूं, 1835 की मैकॉले मिनट्स में जो रचना बनाई गई थी उसकी संघर्ष करते करते 1947 हो गया। ओडिशा साहित्यर माटी, ओडियांको रक्तरे साहित्य, साहित्य ही समाजर प्रतिबिंब। गल्प, कविता, प्रबंध, रम्य रचना ओ अनुवाद साहित्यर एमिति अनेक कृति को नहीं आमर ए विशेष कार्यक्रम कथा साहित्यर।